ये जो खून है ना, ये धर्म जाति मजहब को नहीं पहचानता है। खून सिर्फ खून को पहचानता है। और पता नहीं जिन लोगों के को एक इतिहास और किताब के पन्नों की का कोई ज्ञान ना हो कि दुनिया में जो इंसान आए एक ही परम सत्ता अल्लाह ईश्वर भगवान के द्वारा लाए गए हैं, सबका ब्लड एक है, कोई अलग नहीं है। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम मनुष्य में के आकार में आए और सभ्यता का विकास की शुरुआत तब से हुई। हम एक थे, एक ही हैं, एक ही सत्ता के वारिस हैं, एक ही ईश्वर अल्लाह के हम बनाए हुए हैं। अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग रास्ते से कल्याण की पथ की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। विचारधारा अलग अलग हो सकता है, खून अलग अलग नहीं हो सकता। एक थे तो फिर ये मनुवादी शोषण किस स्टेट और किस जगह से इसकी शुरुआत ज्यादा हुई और बौद्ध की आइडियोलॉजी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो बौद्ध के विचारधारा को कबूल किया वो कौन थे? पप्पू यादव, पप्पू मंडल, पप्पू कुशवाहा, पप्पू राम, पप्पू भुइया, पप्पू आदिवासी, पप्पू नुनिया, पप्पू चौहान, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू दलित। पप्पू यादव का पांच भाई, एक बौद्ध को कबूल कर लिया, एक बोला मैं इंसान हूं, किसी ने कहा सनातनी हूं। तो मेरा एक ब्लड उसके पीछे एक सत्ता, एक ताकत, अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, शोषण, एक जड़ता, लोगों के जीने के रास्ते बंद हो गए, लोगों के मुस्कुराने के रास्ते बंद हो गए, लोगों के का फ्रीडम को चैलेंज कर दिया गया। मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है। और जब मनुष्य के मन के जीवंतता को कोई चैलेंज करता है तो फिर मनुष्य अपना रास्ता तय करता है। तो बौद्ध को मानने वाले मेरा अलग कैसे हो गया भाई? अब आइए इस्लाम, 600 साल बाद, बौद्ध के ठीक 600 साल बाद इस दुनिया में इस्लाम की एक आइडियोलॉजी है। लोगों ने उसको अलग अलग बताया, इस्लामिक देश, इस्लामिक शासन, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें शेख, सैयद, राजपूत, जादा, मंडल, धानु, नुनिया, चौहान, अब अभी हम नाम भर रहे थे तो खान 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 नाम में आ रहा था, तो हमको लगा कि सब छत्री इसी धरी आ गए। सैयद कौन है भाई? भूमिहार समाज से डाइवर्सन। शेख कौन है भाई? ब्राह्मण और भूमिहार समाज से डाइवर्सन। छत्री से खान और पठान में गए, सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाबादी या बैकवर्ड मुसलमान, ये कौन है? पासवान से गए, राम से गए, जादव से गए, नुनिया से गए, चौहान से गए। मुसलमान ऊपर से गिर तो नहीं गया या धरती के नीचे से पैदा तो नहीं हो गया? मेरा एक भाई, उनको लगा कि मुझे जीने की का जो एक वे है बौद्ध आइडियोलॉजी से भी उनको एक भिन्न आइडियोलॉजी लगी, तो उन्होंने इस्लाम की आइडियोलॉजी को, उनको लगा एक प्रेम का रास्ता,
हजरत हुसैन साहब का रास्ता, मानवता के लिए जीने का रास्ता, एक दूसरों के साथ रहने और जीने का रास्ता, एक दस्तरखान, एक साथ जीना, एक साथ नमाज, एक साथ हज। अब आप हमको एक बात बताइए भैया, छोड़ दीजिए सबको, कोई फायदा नहीं है। लोगों पर हुआ, जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं उनसे मैंने कई बार पत्र लिख के पूछा है, मुसलमान कब आया इसका इतिहास पहले पढ़ो। इस्लाम की आइडियोलॉजी का मतलब है पप्पू यादव की आइडियोलॉजी, पप्पू झा की आइडियोलॉजी, पप्पू सिंह की आइडियोलॉजी, पप्पू चंद्रवंशी की आइडियोलॉजी। इस्लाम की आइडियोलॉजी का मतलब मुसलमान की आइडियोलॉजी नहीं है। मुसलमान एक आइडियोलॉजी को अपने जीवन जीने का माध्यम बना सकता है। इस्लाम का मतलब मुसलमान नहीं है, इस्लाम का मतलब है कल्याण, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इस्लाम का मतलब है, बौद्ध का मतलब है एक दूसरों के साथ जीना। संग छ ध्वम संबद ध्वम संभो मनासी जानता हूं, चलना मरना। इस्लाम को मुसलमान से या बौद्ध को दलित से या हिंदू को पप्पू झा से मत जोड़िए। सिख 400 साल पहले आए औरंगजेब के बाद, और अकबर का शासन याद कीजिए जिस वक्त सारी आइडियोलॉजी को सारे धर्म को उन्होंने कैसे मिलाया था आप याद कीजिए। तो रामायण की किताबें पढ़े हैं गोपाल जी, सबसे ज्यादा चोट रामायण पर वाल्मीकि की रचना के बाद तुलसी जी की कृत रामायण जब हुई तो सबसे ज्यादा चोट शूद्रों पर किया, गरीबों पर किया, पालनहार पर किया। कभी पढ़िए, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, आप जानिए। एनआरसी लागू नहीं हो सकती इस मुल्क में, क्यों नहीं हो सकती, वहां आएंगे। ये लड़ाई उनकी है जो 3000 वर्ष से 2000 वर्ष के बीच में जिनका सबसे ज्यादा इस मुल्क में शोषण हुआ, इस दुनिया में शोषण हुआ। अब जब लोगों ने को लगा कि हम तीन मुट्ठी भर मनुवादी हो गए, मेरी संख्या कैसे बढ़ेगी, तो उन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए टारगेट किया मुसलमान को। उसका टारगेट मुसलमान नहीं है, मुसलमान टारगेट इसीलिए है पत्रकार जी कि मुसलमान के माध्यम से हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ताकत का एक विकेंद्रीकरण कर सके। मुसलमान एक आदमी से लड़ने की इस मुल्क में अब हिम्मत नहीं है, आप तो 29,82,00,000 हो चुके हैं, 30 करोड़ है आप यहां, लगभग 28-29-30 करोड़। 28% दलित आदिवासी है यहां। मुसलमान खून है मेरा, दलित खून है मेरा, सिख खून है मेरा, ईसाई खून है मेरा, हिंदू संस्कृति को जीने वाले लोग खून है मेरा। इसे आप धर्म के आधार पर मुसलमान को पत्रकार जी मत देखिए। मेरा आग्रह है पप्पू यादव, हम आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं। मैं इस देश के उन लोगों की लड़ाई लड़ने आया हूं
जो हजारों साल के बाद आवाज देना तो सीखा, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी इतिहास, अपनी खून और अपनी तहजीब को बचाना नहीं सीखा। यह इतिहास की लड़ाई है। एक मुट्ठी भर मानवादी है जो इतिहास को मिटाना चाहता है, और इस मुल्क के करोड़ों पप्पू हैं जो इतिहास को बचाना चाहता है। ताली एकदम मत बजे। ये लड़ाई एनआरसी, एनपीआर, सीएए, इन दिनों पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ए भैया चुपचाप रहिए, एकदम चुप हो जाइए, बैठ बैठ जाएंगे वो लोग। भैया चुप चुप हो रुकिए सर, कोई बात नहीं, बैठिए इधर। गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, मुगल, लिंगायत, बोकलिंगायत, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, लव जिहाद, डीएनए, अखलाक, मतलब 6 साल में 5 साल आप गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद करते रहे। पत्रकार जी किधर गए हो? हाँ सर, पत्रकार जी लोग किधर है? तू हटो इधर, हटो पीछे। सर एक ठो कोई ऊपर से पैदा हुआ कहां से, उसका नाम हम नहीं जाते, नाम नहीं लेंगे। अभी कह रहा था कि मिशनरी स्कूल में पढ़ के बीफ खाते हैं। नहीं कौन उस सिंह क्या होगा, वो तो चौपट लाल है। आप हमको एक बात बताइए, मोदी जी से भी इनसे पूछता हूं, गोवा में मोहन पारिकर जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधा कहा था कि मेरी तहजीब, मेरी संस्कृति और मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश मत करना। मेरे राज में गाय खाए या गंगा, गोरू खाए या छिपकली, कुत्ता खाए या बिल्ली, ये मुझे, मेरे राज में मुझे जीने दो। नरेंद्र मोदी जी, आपने नागालैंड में, कोहिमा में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोया में, साउथ की संस्कृति में, नॉर्थ ईस्ट के तहजीब में, और खुद आपको मोहन पारिकर जी ने कहा कि हमारा मुल्क मेरे तरीके से चलेगा, आप तो कुछ नहीं बोले। तब तो आपने गालियां नहीं दी। जब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, पत्रकार जी, तो एक घटना घटित हुई पुलवामा। अब ये पुलवामा जब हुई और नरेंद्र मोदी जी आए, चाहे ईवीएम से आए, चाहे पुलवामा के कारण आए, पहले तो आप समझ लीजिए भाजपा का जो वोट रेट है 7% से शुरू हुआ था 2 MP और 30 और 31, 32 तक रुक गया था। पुलवामा की घटना के बाद इस देश में 37.4% वोट इस भाजपा को मिला, और फिर जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ तो वोट परसेंटेज 34 से नीचे 33, 32, 31 के बीच आ गया। इस मुल्क में भाजपा का वोट का परसेंटेज 31, 32 से ज्यादा कभी ग्रोथ नहीं करता है, यदि पुलवामा जैसी घटना नहीं घटी तो। मैं वहां आऊंगा, इसके पीछे मुसलमान नहीं है, एनआरसी के पीछे। अब आप हमको एक बात बताइए, जब सरकार बनी इनकी, नरेंद्र भाई मोदी जी की, 56 इंच वाले की, हम परसों जामिया में अपना सीना नपवाए तो 74 था। हमको लगा कि अभी बड़ाबड़ी में देर है मोदी जी।
अब आप हमको एक बात बताइए पत्रकार जी, जब वो आए थे 40 शहीद के नाम पर, तो आप बोलिए पहले शहीद की इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, बोलिए आप। 1.5 क्विंटल बम कहां से आया, बारूद कहां से आया, इसकी जानकारी दुनिया को बताते ना आप कि पाकिस्तान से आया कि किसी ने हिंदुस्तान वाले ने दिया। आपने पुलवामा के इंक्वायरी को ड्रॉप कर दिया और बहस और चर्चा आपने बंद कर दी। शुरू क्या किया, अमित शाह जी बोला नरेंद्र मोदी जी बहुत हो गया, अब आप थोड़ा दुनिया विराजमान कीजिए, लव लेटर सब लिखिए, अब हमको काम करने दीजिए। अब अमित जी काम शुरू कर दिए तो सबसे पहला काम उसको तलाक से नजर आया। अब हे अमित जी,